हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जेल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है बीएससी थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये कोलाइडल स्टेट केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जेल के बारे में बेसिक समझेंगे एंड इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जेल क्या होता है? जेल आर कोलाइडल सिस्टम इन विच एनी लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन एनी सॉलिड। जेल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इन कोगुलेशन प्रोसेस कोगुलेटेड सब्सटेंस मेक सेमी सॉलिड सब्सटेंस टू इट्स ओन लिक्विड मीडियम कंप्लीटली। तो जेल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जेल एक कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में डिस्पर्स होता है। और जेल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जेल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जब कोगुलेशन होता है तो हमको जेल प्राप्त होता है। कोगुलेशन, इसको स्कंदन कहा जाता है। सिंपल समझ सकते हैं, जो दूध से जो दही बनता है, जो दही जो बनता है वो जो है कोगुलेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक है, इन कोगुलेशन प्रोसेस कोगुलेटेड सब्सटेंस, ठीक है, मेक सेमी सॉलिड सब्सटेंस टू इट्स ओन लिक्विड मीडियम कंप्लीटली। जैसे कि दूध है, दूध जो है ये लिक्विड है, लिक्विड मीडियम है कंप्लीटली। तो कोगुलेशन प्रोसेस में जो कोगुलेटेड सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो हमारा दूध है ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस में बदल जाता है, इसको जेल कहा जाएगा। ठीक है, जो दही कहलाता है। ठीक है, तो जेल कैसे बनता है हमारा? जब ये जो खुद का जो लिक्विड मीडियम होता है ये कंप्लीटली सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो उसको कहा जाता है जेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो जेली है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे हम एक एक करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल्स, ऑन कूलिंग ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन इट्स फ्रीजेस एज सेमी सॉलिड। ठीक है, जब हम जो जिलेटिन होता है उसको हम ठंडा, जो हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है जिलेटिन का, उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है, इसी को जेल कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन एसोसिएट विद ईच अदर। ठीक है, अब जेल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है? इस प्रोसेस में जो जेल फॉर्मेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एंड दिस एसोसिएट्स बिकम सो लार्ज दैट दे टच ईच अदर। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन होता है किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो एसोसिएशन होता है बहुत लार्ज होता है, और एक प्रकार का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज सो द टच इट इच अदर। ठीक है, ये इनका एसोसिएशन बहुत लार्ज होगा और एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। तो दिस सो ऑन फर्दर इन क्रीजिंग दिस एसोसिएशन फॉर्म अ लेटाइस। इन दिस लेटाइस डिस्पर्सन मीडियम इज फिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ जेल इज लाइक बी नेस्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारा सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो एक प्रकार का लेटाइस का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, और इस जाल के अंदर जो होगा यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम भरा रहता है। डिस्पर्सन मीडियम आपको पता है, जैसे अगर हम किसी पानी में नमक पानी में अगर हम नमक घोल रहे हैं तो ये जो पानी होगा, जो घोलने वाला होगा, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। तो जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, जो लिक्विड होता है हमारा, वो इन लेटाइस के बीच में भरे रहते हैं, जो एक प्रकार का जेली होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एंड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड जेल, एनी एसिड सोडियम सिलिसेट सॉल्यूशंस आर मिक्स इन प्रॉपर रेशियो। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड जेल बनाने के लिए किसी भी एसिड सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशंस को जो है प्रॉपर रेशियो में अगर हम मिक्स करते हैं, सो द प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड चेंज इनटू ट्रांसपेरेंट जेल। ठीक है, अगर हम सैलिसिलिक एसिड जेल बनाने के लिए अगर हम किसी भी एसिड को, सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशंस को प्रॉपर एसिड, ठीक है, किसी भी एसिड और सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशंस को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमको जेल प्राप्त होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जेल प्राप्त होता है। एंड सम वे व्हेन अल्कोहल इज मिक्स्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम एसिटेट, फर्स्टली कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन इज फॉर्म विच लेटरली फ्रीज इनटू हार्ड जेली विच इज नोन एट सॉलिड अल्कोहल। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अल्कोहल को जो है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट से मिक्स करते हैं तो पहले हमको कैल्शियम एसिटेट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, फिर बाद में जो है हमको ये जब हार्ड जेली के रूप में फ्रीज हो जाता है तो इसको हम सॉलिड अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार हम जेल प्रिपेयर करते हैं।
अब हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कई बेस पर जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो जेल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इफ जेल इज प्रिपेयर्ड इन एल्कोहल, ठीक है। जेल मतलब किस मीडियम से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे अगर जेल हम प्रिपेयर करते हैं एल्कोहल से, बेंजीन से या फिर वाटर से, तो इनको जो है जैसे एल्कोहल और एल्कोहल से अगर हम जेल बनाते हैं तो उसको एल्कोजेल कहेंगे, बेंजीन से करेंगे तो बेंजो जेल, इसी प्रकार वाटर से अगर हम वाटर अगर डिस्पर्जन मीडियम है जेल बनाने के लिए तो ये हमारा हाइड्रोजेल कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्टिकल्स, ठीक है, जो एसोसिएट होते हैं उनके साइज के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स जेल मे बी कोलाइडल आर कोर्स जिलेटिन जेली पेक्टिन अगर अगर आर कोलाइडल जेल्स, ठीक है। तो ये जो है कोलाइडल जेल के एग्जाम्पल है, पार्टिकल्स के साइज के आधार पर कितने होते हैं, कोलाइडल होंगे, जिलेटिन होगा, जेली पेक्टिन होगा, अगर अगर होगा, ये जो है पार्टिकल्स के साइज के बेस पर इतने प्रकार के जेल होते हैं, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशंस जेल आर क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक आर ऑर्गेनिक, इन इनऑर्गेनिक जेल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इन ऑर्गेनिक जेल, ठीक है, इनऑर्गेनिक जेल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो प्रकार के होंगे, जो इनऑर्गेनिक जेल होगा हमारा उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होगा एंड ऑर्गेनिक जेल में जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होगा, सिंपल है ये, ठीक है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी जो जेल का प्रॉपर्टी है उसके आधार पर जो है टू टाइप के होते हैं, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल, ठीक है। इलास्टिक जेल क्या होता है, सच जेल आर रिवर्सिबल विथ हीट, ऑन डिहाइड्रेशन सच जेल चेंज इनटू सॉलिड एंड ऑन हीटिंग विथ सम वाटर अगेन प्राइमरी फॉर्म इज ऑब्टेंड, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल होगा, ठीक है, ये जो जेल होता है रिवर्सिबल होता है विथ हीट के साथ, ठीक है, उष्मा के साथ ये रिवर्सिबल होगा, कैसे देखिए, ऑन डिहाइड्रेशन सच जेल चेंज इनटू सॉलिड, ठीक है। अगर हमारा जो जेल है अगर हम उसको निर्जलीकृत कर देते हैं, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेट कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा जेल, ठीक है। एंड ऑन हीटिंग विथ सम वाटर, ठीक है, इसमें कुछ वाटर एड करके इसको हीट करते हैं तो फिर हमको प्राइमरी फॉर्म जो हमारा लिक्विड फॉर्म होगा वो प्राप्त हो जाता है। जिलेटिन अगर अगर एंड स्टार्च आर एग्जांपल ऑफ दिस इलास्टिक जेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, इलास्टिक जेल के एग्जांपल है जिलेटिन अगर अगर एंड स्टार्च, ठीक है। इलास्टिक जेल ऑन, ये जेल है ऑन कॉन्टेक्ट विद वॉटर एब्जॉर्ब वॉटर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ जेल इज कॉल्ड इनहिबिशन, ठीक है। तो जो इलास्टिक जेल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जब वॉटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है और ये जो प्रॉपर्टी होता है जेल का इसको कहा जाता है इनहिबिशन, ठीक है। एंड सेकंड टाइप है हमारा नॉन इलास्टिक जेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो इसका अपोजिट है नॉन इलास्टिक, मतलब ये इरिवर्सिबल होता है। ऑन डिहाइड्रेशन दिस जेल चेंज इनटू पाउडर, ठीक है, डिहाइड्रेशन में ये जो इलास्टिक जेल था ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होता था, लेकिन नॉन इलास्टिक जेल जो है डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है इनटू पाउडर। एंड ऑन हीटिंग विद वाटर, ठीक है, फिर उसमें वाटर डाल के अगर हम उसको गर्म करते हैं तो जो इनिशियल फॉर्म होता है जो लिक्विड फॉर्म होगा वो हमको प्राप्त नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है सिलिका, एल्यूमिनिया एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं नॉन इलास्टिक जेल के, ठीक है। एंड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका जेल इट डज नॉट चेंज इनटू जेल अगेन इट स्पाइट ऑफ एडिंग वाटर, ठीक है, बेसिकली ये जेल में अभी भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल होंगे, मेन आपको ध्यान रखना होगा, इलास्टिक क्या है रिवर्सिबल और नॉन इलास्टिक जेल जो है ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। इन नॉन इलास्टिक गो नो इनहिबिशन इट इज सीन, ठीक है, इसमें इनहिबिशन वाला प्रोसेस होता है इलास्टिक जेल में, लेकिन नॉन इलास्टिक जेल में किसी प्रकार का इनहिबिशन प्रोसेस नहीं होता है। तो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट जेल का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली ये आपको बीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उस बीएससी सेमेस्टर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइम में भी पूछे जाते हैं, तो आप ये कंप्लीट लिखेंगे तो इनफ रहेगा। इसके अलावा अगर आपको एमएससी एंड बीएससी लेवल के हैरिटन नोट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, वहां से हैरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।